दोस्तों आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये चिड़िया मिलन तभी करती है जब इसके घोंसले के आसपास के क्षेत्र में ढेर सारी मात्रा में इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े मौजूद हों, क्योंकि इनकी मादाओं में अंडों का परिपक्व या मैच्यूरेशन तभी होता है जब ये पर्याप्त मात्रा में इंसेक्ट्स को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। इसके अलावा गौरैया अपने चूजों को भी केवल इंसेक्ट तथा इंसेक्ट के लार्वा को ही खिलाती हैं। वैसे गौरैया तो होती सर्वहारी है और अपने भोजन के रूप में विभिन्न प्रकार के अनाज के दानों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़ों को भी खाती है, लेकिन अपने बच्चों के शीघ्र विकास के लिए उन्हें मांसाहार के रूप में उच्च जंतु प्रोटीन युक्त कीड़े मकोड़े तथा कीड़ों के लार्वा को ही खिलाती है। आपको जानकर बहुत दुख होगा कि यदि इस चिड़िया के आसपास इस तरह की परिस्थिति ना हो तो ये मिलन ही नहीं करती है। दोस्तों, इस चिड़िया की विलुप्ति का बहुत बड़ा कारण उन कीड़ों मकोड़ों का खत्म होना भी है जिसे ये अपने बच्चों को खिलाती है, और इसके दोषी भी हम इंसान ही हैं, क्योंकि थोड़ी सी पैदावार बढ़ाने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करने लग गए हैं, और इन कीटनाशक प्रयोग के कारण वो कीड़े मकोड़े खत्म होते चले जा रहे हैं जो गौरैया के बच्चों के भोजन हुआ करते थे, और इस प्रकार गौरैया का मिलन प्रभावित होने के कारण इनकी संख्या दिनों दिन घटने लगी। दोस्तों, अभी भी समय है, अगर अभी हम चाहें तो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करके हम अपने दोस्त प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में विख्यात गौरैया की संख्या को बढ़ा सकते हैं। गौरैया का मिलन सीजन फरवरी से अगस्त तक चलता है और इस अवधि के दौरान मादा गौरैया 4 बार अंडे देती है। वैसे मादा गौरैया 1 बार में 4 अंडे देती है। अंडों को सेने की जिम्मेदारी मादा पक्षी की होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर नर गौरैया भी अंडों को सेने का काम कर सकता है। अंडों को सेने का काम 12 दिनों तक चलता रहता है। 12 दिनों के बाद अंडों की हैचिंग होती है जिसके फलस्वरूप इसमें से बच्चे निकलते हैं। बच्चों की फीडिंग की जिम्मेदारी नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं। अंडे में से निकलने के लगभग 15 दिनों के बाद बच्चे पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स के घोंसले को छोड़ देते हैं। घोंसला छोड़ने के बाद भी यह वयस्क बच्चे नर गौरैया के द्वारा, मतलब अपने पिता के द्वारा, अभी भी कुछ दिनों तक भोजन प्राप्त करते रहते हैं, जबकि मादा गौरैया उसी घोंसले में अब दूसरे बार अंडा देने के लिए तैयारी में लग जाती है। और इसी प्रकार अगस्त महीने तक इसी घोंसले में मादा गौरैया 4 बार अंडा देती है, और मिलन काल के समाप्ति के बाद भी नर तथा मादा गौरैया अपने इस घोंसले को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि ये पतझड़ और सर्दियों के महीने में रात का आराम और दिन का आराम इसी घोंसले में करते हैं। दोस्तों, प्यार और ईर्ष्या ये दोनों भावनाएं केवल हम मनुष्यों में ही नहीं पाई जाती हैं, बल्कि मादा गौरैया इस मामले में हम मनुष्यों से बहुत ही आगे होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि गौरैया पक्षी एक विवाही होती है और जोड़ों के दोनों सदस्य जीवन भर एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन ये बात केवल मादा पक्षी पर लागू होती है, अर्थात मादा गौरैया पतिव्रता होती है, जबकि नर गौरैया अवसरवादी होता है और अवसर मिलते ही अपने वंश की वृद्धि के लिए दूसरी मादा गौरैया पर डोरे डालने लगता है। नर गौरैया को ये अवसर तब मिलता है जब उसकी पहली मादा अपने अंडों को से रही होती है, और इस प्रकार ही नर गौरैया दूसरी मादा गौरैया से संबंध बनाता है जो इसके अंडे और बच्चों को जन्म देती है। नर गौरैया की ये चलाकी उसकी पहली मादा से छिपती नहीं है, क्योंकि मादा गौरैया इस बात को जल्दी समझ जाती है कि आखिर उसका साथी नर गौरैया अब उसको कम समय क्यों दे रहा है, और फिर शुरू होता है धोखेबाज जीवन साथी और सौतन से बदला लेने का दौर। और इस क्रम में पहली मादा गौरैया बदले की भावना से ग्रसित होकर अवसर मिलते ही दूसरी मादा गौरैया के घोंसले पर धावा बोल देती है और उसके घोंसले को उजाड़ देती है, और बड़े ही शातिर अंदाज में उसके अंडे और बच्चों को एक एक करके घोंसले से बाहर फेंक कर मार देती है। पहली मादा ये काम इतनी सफाई से करती है कि उसके नर साथी को इसकी भनक तक नहीं लगती है। दोस्तों, दरअसल मादा गौरैया अपने नर गौरैया को बहुत प्रेम करती है और वो ये नहीं चाहती कि उसका नर साथी उसे और उसके बच्चों के अलावा किसी और को समय दे।
और इस प्रकार नर गौरैया इनके बच्चों की परवरिश में अपना पूरा समय देने लगता है। वैसे सभी नर गौरैया इस तरह आचरण नहीं करते हैं, बल्कि केवल 15% ही इस तरह का दोहरा आचरण करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आप अगर हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।